तो दोस्तों देख पा रहे हो, ये जो है हमारे पास ग्लैमर गाड़ी आया है, ठीक है, ग्लैमर गाड़ी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो दोस्तों ये कस्टमर लेकर आया, जैसे कि देख पा रहे हो अभी भी इंजन गर्म है इसका, ठीक है। तो गाड़ी का जो दिक्कत हो रहा है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे कि देख पा रहे हो प्लग वायर खुला हुआ है, तो शायद पता चल गया होगा करंट का दिक्कत ही है इसमें, ठीक है। तो प्लग वायर खुला हुआ है, तो लाइन कहाँ से दिक्कत है ये हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम प्लग को खोल लेंगे क्योंकि किक मारने में बहुत आसानी हो जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं करंट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाबी ऑन कर लेते हैं, जैसे कि चाबी ऑन कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो चाबी ऑन कर दिया, न्यूट्रल लाइट शो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें न्यूट्रल लाइट शो नहीं कर रहा, तब मतलब बैटरी इसका डाउन है या कुछ खराब है, देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार किक मार लेते हैं, देखिए चाबी ऑन करके जब हम किक लगा रहे हैं इसमें लाइन नहीं दिखा रहा, ठीक है फ्रेंड्स, लाइन नहीं दिखा रहा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ किक मारना सही से, देखिए तो दोस्तों इसमें लाइन नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो जब हम किक लगा रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल लाइट शो कर रहा है, देखिए। तो दोस्तों देखिए जब हम किक लगा रहे हैं न्यूट्रल लाइट शो कर रहा है, मतलब इसका बैटरी डैमेज है, ठीक है। फ्यूज भी सही है इसका, सब कुछ सही है, ठीक है। तो जो लाइन नहीं आ रहा है वो लाइन क्यों नहीं आ रहा है वो पहले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो टैंकी होता है, टैंकी उतार दिया हमने, तो सबसे पहले हम जो सीडीआई होता है, सीडीआई को हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। सीडीआई को चेक कर लेंगे, सीडीआई को जो सॉकेट होता है उसको हम खोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीडीआई का जो सॉकेट होता है उसको खोल देते हैं, आराम से खोल देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक हाथ से मैं पकड़ के रखा हूँ कैमरा को, तो पहले खोल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों देख पा रहे हो सीडीआई का जो सॉकेट होता है वो खोल दिया है हमने, ठीक है। जो सीडीआई का सॉकेट होता है वो हमने खोल दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप चेक करेंगे इसमें, अरे ये देखिए एक जो सॉकेट है ये कितना लूज है, मतलब बाहर की तरफ आ गया, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो ढीला है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो जैसे कि ये बाहर आ जा रहा है, ठीक है, मतलब ये यहाँ से क्लिप होता है, क्लिप भी बिल्कुल शायद खराब हो गया, ठीक है। तो इसको हम एक बार लगाएंगे बढ़िया से, लगाकर फिर चेक करेंगे लाइन आता है या नहीं, ठीक है। तो इसमें चेक करना भी बताएंगे, तो कौन से वायर में लाइन आता है, कौन से वायर में लाइन नहीं आएगा, कितना वोल्ट आएगा, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है, वो आप लोगों को भी बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार हम पहले इसको टाइट करके देख लेते हैं, टाइट कैसे करेंगे। ये जो होता है दोस्तों, ये जो लॉक बना होता है, ठीक है, देख पा रहे हो नज़दीक से मैं लेके आता हूँ, ये जो लॉक बना होता है, लॉक इसका टूट गया, ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो लॉक होता है वो टूट गया, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इसको टाइट कैसे करेंगे देख लेते हैं, बस अभी चेक करने के लिए वो देखेंगे कैसे करते हैं हम। एक वायर लगे इसमें अटैच कर दिया ऐसे कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे तो जो सॉकेट था वो हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है फ्रेंड्स, देख पा रहे हो ये हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो वो टाइट जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम एक बार किक मार लेते हैं, देखते करंट अब आता है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चाबी हमारा ऑन किया हुआ है पहले से ही, तो ये है प्लग वायर है ये, तो प्लग भी हमने खोल दिया, देख पा रहे हो नीचे पड़ा हुआ प्लग। तो इसका जो कंप्रेसर होता है वो कमी होता है, फिर भी हम प्लग खोल देंगे और कंप्रेसर मतलब नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक बार हम किक मार लेते गाड़ी का। तो दोस्तों देख पा रहे हो फिर भी ये इसका जो लाइन है वो फिर भी नहीं आ रहा, ठीक है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स बढ़िया से, देखिए ये है प्लग का वायर, ठीक है, इसमें फिर भी करंट नहीं आ रहा है। कहाँ से दिक्कत है ये चेक करेंगे, ठीक है, कहाँ से दिक्कत है ये चेक करेंगे और बढ़िया से आप लोगों को भी समझाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका जो बैटरी है देख पा रहे हो, बैटरी इसका खराब है, मतलब चार्ज बिल्कुल नहीं है, डैमेज हो गया, ठीक है, बैटरी डेड हो गया इसका। तो बैटरी भी हम दूसरा लगाएंगे। तो दोस्तों आप मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा बहुत लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सुनिए, ये जो बैटरी है, अगर बैटरी खराब है गाड़ी में, आपका बैटरी अगर है खराब है, बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो बैटरी आप गाड़ी में डालिए जरूर, क्योंकि बैटरी के लिए सीडीआई भी थोड़ा बहुत खराब हो जाता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है ये जो कटआउट होता है सेल्फ रिले, इसको भी लगाना जरूरी है, क्योंकि ये जब फ्यूज हो जाता है, मतलब फ्यूज जब उड़ जाता है इसका, तो मीटर में लाइन नहीं आता, ठीक, जब ये फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है रेड वाला वायर, इसमें बैटरी का कनेक्शन आता है, इसमें लाइन आता है, ठीक है, रेड और ब्लैक जो है, ठीक है, देखिए ये रेड और ब्लैक जो है, जो हमारा लाइन छूट गया है, ठीक है, सॉकेट से छूट गया, ये जो देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसमें बैटरी का कनेक्शन आएगा, ठीक है। जब आप किक लगाओगे
या किक लगाओ या चाहे ना लगाओ, ठीक है, जब आपका गाड़ी में बैटरी सही होगा, जब आपका गाड़ी में बैटरी सही होगा तो यहाँ पर चाबी ऑन करने पे इस पे लाइन आएगा, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा बढ़िया से, लाइन आता है कौन से में लाइन नहीं आता है वो दिखाऊंगा, ठीक है, इसमें लाइन आएगा बैटरी का कनेक्शन, चाहे किक मारो या ना मारो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में बैटरी नहीं है, ठीक है, जब इसमें लाइन नहीं आ रहा है, इस पे जब लाइन नहीं आ रहा चेक करोगे तो पहले आपको चेक करना चाहिए कौन कहाँ से, जो आपका पीछे से रेगुलेटर है जो RR यूनिट होता है, ठीक है, इसमें एक व्हाइट कलर का वायर होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है, वो अगर कट गया तो गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका कटा नहीं है, जो व्हाइट कलर का तार है वो मैं चेक नहीं किया, फिर भी गाड़ी का मैं बता देता हूँ, उसमें कटा हुआ नहीं है तार, वो सही है, ठीक है। तो इसका खराब है CDI, ठीक है, CDI कैसे खराब है चेक करके हम बताएंगे, ठीक है, CDI खराब सच में है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया, बैटरी का कनेक्शन आएगा इसमें लाइन। अब जो बात है ये ब्लू है, ब्लू जो देख पा रहे हो आप, ब्लू और येलो, ठीक है फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगा खोल के। तो दोस्तों हम खोल के देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों सॉकेट हमने खोल लिया, देख पा रहे हो एक सॉकेट नहीं है, जो कि ये है एक सॉकेट। तो दोस्तों ये जो वायर देख पा रहे हो ब्लू और येलो जो है, सॉरी ब्लू और हाँ ब्लू और येलो जो है, ठीक है फ्रेंड्स, जो देख पा रहे हो ये आता है हमारा पिकअप कॉइल से, ठीक है, पिकअप कॉइल का तार ये होता है, ठीक है। इसमें हम मल्टीमीटर लगाकर चेक करेंगे कितना वोल्टेज आता है, इसमें आएगा करीब करीब मतलब 129-30 ऐसे कुछ वोल्ट दिखाएगा इसमें, ठीक है, इसमें वो ये वोल्ट दिखाएगा। तो अगर इसमें वोल्ट दिखा रहा है तो मतलब आपका पिकअप कॉइल सही है, ठीक है। मतलब अगर आपको फ्रेंड्स पता नहीं है जो पिकअप कॉइल का कलर कौन सा होता है, पिकअप कॉइल का जो तार होता है वो कौन सा कलर होता है, आप मैग्नेट खोल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है, पिकअप कॉइल का कलर कौन सा होता है, ठीक है, चेक कर लेना आप। तो दोस्तों तो ये होता है पिकअप कॉइल का तार, ठीक है। तो इसमें आएगा वोल्ट, देख लेते कितना वोल्ट आता है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों देख पा रहे हो हमने मल्टीमीटर अटैच कर दिया है इसमें, ठीक है, हमको रखना है इस जगह पे, ठीक है, मल्टीमीटर को हमको इस जगह पे रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जहाँ पे पीप वाली आवाज आता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, सुनाई दिया ना, पीप वाली आवाज आता है जहां से, वहां से रखना होगा। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर लगाया जो वायर आ गया, पिकअप कॉइल का वायर जो आया है, ठीक है, हम माइनस प्लस नहीं है कुछ भी, आप तार वहां से लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने रेड वाला ही लगाया यहाँ पे, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमने लगाया ये जो येलो है और ब्लू है, ठीक है, उसमें लगाया और ये आर्थ कर दिया हमने, ठीक है, ये देख पा रहे हो आर्थ कर दिया, जैसे कि देखिए कितना दिखा रहा है, तो 127 दिखा रहा है पिकअप कॉइल का जो है, ठीक है। तो दोस्तों 127 दिखा रहा है तो छोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है, देखिए 127 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो पिकअप कॉइल है वो सही है हमारा, ठीक है, पिकअप कॉइल अभी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखिए ये जो ब्लैक और रेड वायर है तो इसमें कनेक्शन हमेशा लाइन आएगा, ठीक है, बैटरी का कनेक्शन हो चाहे गाड़ी का जो कनेक्शन है, ठीक है, वो लाइन है यहाँ पर आएगा, इसमें हमेशा रहेगा, ठीक है, चाबी ऑन करने पे जब किक लगाओगे तभी आएगा, बैटरी लगाओगे तो ऐसे आ जाएगा। तो देखिए इसको देखने के लिए तो हमारे पास फिलहाल जो गाड़ी का बैटरी है वो खराब है, ठीक है, तो लाइन इसमें नहीं आएगा फिलहाल ऐसे करने से। तो दोस्तों ऐसे करने से लाइन नहीं आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, किक मारना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम एक बार किक मार लेते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हो लाइन आ रहा है, मैं बढ़िया से दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, देख पा रहे हो शायद, तो दोस्तों शायद देख पा रहे हो इसमें से लाइन आ रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, हम बैटरी लगाएंगे, दूसरा गाड़ी का खोल के बैटरी लगाएंगे, और तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लाइन आ रहा है हमारा, ठीक है, ये जो है इसमें लाइन आ रहा है प्रॉपर तरीके से, और ये जो पिकअप कॉइल का कनेक्शन है वो भी सही है। तो दोस्तों हम एक बार बैटरी लगा के देखेंगे इसमें लाइन हमेशा आता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले बैटरी को लगा लेते हैं, हम कौन सा गाड़ी का बैटरी लगाएंगे वो भी हम दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखिए गाड़ी में हमने बैटरी लगाया है, ठीक है, ये भी एक ग्लैमर का गाड़ी का बैटरी है, ठीक है, जो कि देख पा रहे हो बाहर में खड़ा हुआ है। तो दोस्तों देख पा रहे हो ये बाहर में खड़ा हुआ है जो गाड़ी का बैटरी, तो दोस्तों ये हम लगाए। तो अब क्या देखेंगे, इसमें जो ब्लैक और रेड का जो वायर है उसमें लाइन हमेशा आता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बल्ब लगाएंगे, इसमें बल्ब को लगाकर फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों हम पहले एक बार चाबी को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख पा रहे हो न्यूट्रल लाइट जल गया हमारा, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पर सेल्फ जो है सेल्फ काम नहीं कर रहा, ये कटा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी जोड़ देंगे एक बार,
देखेंगे सेल्फ सही है नहीं गाड़ी का। तो दोस्तों देखिए हम एक बार इसमें चेक कर लेंगे, देखिए किक मारो चाहे किक ना मारो ठीक है, इसमें लाइन हमेशा आएगा ठीक है, रेड और ब्लैक जो वायर है ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमने घुसा दिया था, ये रेड और ब्लैक हमेशा लाइन इसमें आएगा बैटरी का कनेक्शन ठीक है, इसमें आएगा देखिए, फ्यूज ना उड़ जाए आप ऐसे मत चेक कीजिएगा ठीक है, फ्यूज उड़ गया फ्रेंड्स ठीक है, अब ऐसे मत चेक कीजिएगा फ्यूज उड़ जाएगा ठीक है, आप ऐसे कीजिएगा बल्ब लगाकर चेक कीजिएगा हमेशा ठीक है। तो फ्यूज हम एक बार लगा लेंगे और देखेंगे गाड़ी का स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, तो कहाँ से दिक्कत है, फ्यूज का सॉरी सीडिया का दिक्कत है या नहीं, तो सीडिया हम चेक करेंगे किसी गाड़ी का खोल के। तो दोस्तों देख पा रहे हो वो जो ग्लैमर गाड़ी खड़ा हुआ, तो उस गाड़ी का सीडिया हम लगाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों आप ये सोचेंगे कि वो तो न्यू मॉडल का सीडिया है, न्यू मॉडल गाड़ी है तो ये बहुत ओल्ड मॉडल हो गया, तो उसका सीडिया अलग है, उसका सीडिया तो अलग है, आप कैसे चेक करोगे। नहीं दोस्तों चेक हो जाएगा ठीक है, आप गाड़ी में अभी लगा भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर थोड़ा सा अलग है ठीक है फ्रेंड्स, वो डिजिटल है, ये डिजिटल नहीं है ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये है उसका सीडिया उस गाड़ी का ठीक है, न्यू मॉडल का। तो इसका पार्ट नंबर जो है वो भी मैं दिखाऊंगा, तो इसको हम एक बार जो होता है कवर इसको उतार देंगे ठीक है। तो चेक करने से पहले बहुत ध्यान से चेक करना पड़ेगा, जो उसका जो पार्ट नंबर है वो सही होना चाहिए ठीक है। तो दोस्तों पार्ट नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर पार्ट नंबर मैच कर गया तो आप लगा सकते हो। तो ये जो सॉकेट है वो सॉकेट उसमें नहीं है ठीक है, इसमें सॉकेट नहीं है, क्योंकि वो जो सॉकेट लगा हुआ है, ये सॉकेट जो आता है वो पुराने वाले गाड़ी का होता है। ये आता है कहाँ से पता है, जो कार्बोरेटर लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, कार्बोरेटर की साइड से आता है ये सॉकेट ठीक है, कार्बोरेटर का सॉकेट है। तो इसको छोड़ दो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पार्ट नंबर देख लीजिए इसका, ये है न्यू मॉडल का सीडीआई, ये है ओल्ड मॉडल का ठीक है। तो दोस्तों पार्ट नंबर एक बार मैच कर लीजिए दोनों का, मैं दिखाऊंगा एक बार बढ़िया से। तो दोस्तों पार्ट नंबर देखिए ध्यान से, जो पार्ट नंबर देख पा रहे हो दोनों बिल्कुल सेम है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ठीक है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स पार्ट नंबर। आप दिखाएंगे जो सीडीआई का सॉकेट है वो थोड़ा अलग है ठीक है। तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे, तो सीडीआई खराब है शायद ठीक है, तो हम एक बार ये सीडीआई लगाकर चेक करेंगे गाड़ी में ठीक है। तो चलिए पहले एक बार सीडीआई को लगा लेते हैं, तो सीडीआई तो लगाएंगे पर ये जो वायर है फ्रेंड्स ये तो मतलब खराब है, निकाल के रखा हुआ ये, तो हम वैसे ही लगाएंगे ठीक है, जैसे मैं उस गाड़ी में इसी में लगाकर हम चेक कर रहे थे वैसे ही लगाएंगे सेम ठीक है। तो चलिए एक बार लगा लेते हैं हम। तो दोस्तों देख पा रहे हो सीडीआई हमने लगाया ऐसे ही ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और कनेक्शन हमने बाहर से कर दिया वो थोड़ा टाइट लगाकर ठीक है। तो दोस्तों ये जो वायर है इसमें तो हमेशा लाइन आएगा जैसे कि, तो चलिए हम एक बार चाबी को ऑन कर लेते हैं फिर किक मार के देख लेते हैं। और दोस्तों ये जो सॉकेट है वो खुला छोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक है, देखिए इसको खुला छोड़ देंगे हम, ये कार्बोरेटर से आता है ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लाइन आ गया, देखिए कैसे लाइन आएगा पट पट, देखिए फ्रेंड्स लाइन आ रहा कैसा, वो हम बढ़िया से दिखाएंगे एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स लाइन कैसे आएगा, देखिए कितना लाइन मार रहा है, देख पा रहे हो फ्रेंड्स बढ़िया से दिखिए फ्रेंड्स लाइन आ रहा कैसा, कितना तेज आवाज मिल रहा है ना आप लोगों को, कितना तेजी से आवाज आ रहा है। तो चलिए एक बार हम प्लग लगाकर गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है। तो दोस्तों प्लग लग गया हमारा ठीक है, देख पा रहे हो, तो चलिए हम एक बार बढ़िया से प्लग कैप को भी लगा दिया ठीक है, एक बार हम स्टार्ट कर लेंगे उसी सीडीआई से ठीक है, न्यू मॉडल ग्लैमर का सीडीआई से ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया ठीक है, देख पा रहे हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप ये सीडीआई मत लगाइए, बस चेक करने के लिए थोड़ा बहुत बस लगा के फिर खोल दीजिएगा ठीक है। तो आप इस सीडीआई को लगाकर चलाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ठीक है, तो आप बस ये चेक करने के लिए न्यू मॉडल का सीडीआई लगा के चेक कर सकते हो, वो भी अगर आपका इसमें लाइन आ रहा है तो फिर चेक कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो बैटरी लगाइए ठीक है, बैटरी लगाकर चेक कीजिए, अगर आ रहा है तो बैटरी मत लगाइए, ऐसे आप चेक करने के लिए लगा सकते हो ठीक है। तो मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि ये कुछ हो जाए तो काफी महंगा है ठीक है, बस चेक करने के लिए थोड़ा बहुत लगा सकते हो ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों देख पा रहे हो जैसे कि सीडीआई हमारा खराब निकला, ये सीडीआई जेन्युइन सीडीआई था ठीक है, ओरिजिनल कभी चेंज नहीं हुआ, तो इस बार चेंज करने वाले हम, तो चेंज करना पड़ेगा सीडीआई को, खराब हो गया। तो दोस्तों देखिए ये न्यू मॉडल का सीडीआई है ठीक है, आप लगाकर चेक कर सकते हो ठीक है, जैसे कि मैं बढ़िया से मैं शायद समझा चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग भी समझ गए होंगे, आप लोग भी समझदार हो ठीक है फ्रेंड्स।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा देखने के बाद, ठीक है। बहुत मैं समझा चुका हूँ वीडियो में, बहुत बारीकी से समझाया हूँ मैं इस वीडियो को, ठीक है, तो आप लोग भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों और एक बात है, जो कुछ लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि भाई मेरा CDI बार बार उड़ जा रहा है, ठीक है, बार बार CDI उड़ जा रहा है, तो CDI क्यों उड़ जा रहा है पहले वो चेक कीजिए। तो दोस्तों जो लाइन आता है वो उसको बढ़िया से चेक कीजिए, अगर आपका जो गाड़ी है चूहे ने अगर तार काट दिया, ठीक है, उसको आप बढ़िया से चेक कीजिए, एक दो वीडियो और देखिए कहाँ से लाइन होता है। आपके पास अगर वीडियो नहीं मिले तो आप गाड़ी अगर होता है तो गाड़ी को सर्च कीजिए, किसी के पास अगर गाड़ी होता है तो दोस्तों के पास अगर गाड़ी है तो किसी कस्टमर के पास अगर गाड़ी है तो उसको लेकर आओ, CDI बढ़िया से देखो कहाँ से कनेक्शन किया हुआ है, तो फिर ही आप CDI लगाओ, ठीक है। नहीं तो अगर कनेक्शन आपको पता नहीं है कहाँ से किया हुआ है कनेक्शन, आप डाल देते हो CDI, ठीक है, तो CDI फिर उड़ जाता है, ठीक है, उड़ जाता है मतलब कि खराब हो जाता है, उड़ता नहीं है भाई, आपको बढ़िया से चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए बढ़िया से कैसे कहाँ से दिक्कत हो रहा है, ठीक है। CDI अगर आपने नया लगाया, ठीक है, तो उसको बढ़िया से चेक कीजिए। तो मैं बहुत CDI लगाया हूँ तो उसमें कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं आया कि उड़ गया। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर मिला होगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो आशा करता हूँ थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिला होगा फ्रेंड्स। और एक बार दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, मैं ये वीडियो को बहुत बारीकी से समझाया हूँ, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना यार, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो मुझे से कॉन्टेक्ट कीजिएगा।